आप सभी को मेरा प्रणाम। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मित्रों, आज एक ग्रीन टी के रूप में उपयोग में आने वाले प्लांट की चर्चा करेंगे और ऑर्नामेंटेशन पर्पस के लिए घरों में हम लोग इसको लगाते हैं, लेकिन जब इसके सुंदर फूल आ जाते हैं तो हम इनको निहारने के अलावा औषधीय गुणों के लिए उपयोग में नहीं ला पाते हैं, क्योंकि हमारे पास जानकारी नहीं होती है। मित्रों, फ्लॉक्स डरमोंडी की चर्चा करेंगे और पोलमोनिसी फैमिली का ये प्लांट है। सुंदर पिंकिश वाइट फ्लावर्स आप देख रहे होंगे। आपको क्या करना है, आपको इसके फ्लावर्स को कलेक्ट करके इसको ग्रीन टी बनाकर उपयोग में लाना है। और वो ग्रीन टी क्या करेगी, आपके शरीर के अंदर टॉक्सिन्स को निकालने का कार्य करती है, अल्सर की समस्या को दूर करती है, बॉडी के हॉर्मोन्स को रेगुलेट करने का कार्य करती है, इम्यूनागोग इसका इफेक्ट होता है, मानसिक तनाव को दूर करता है और नेचुरली ये हमारे शरीर के अंदर कई बार टॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो उनको निकालते हुए ब्लड को प्यूरीफाई भी करता है, ब्लड क्लोटिंग के टाइम को भी रेगुलेट करने का कार्य करता है। बॉडी के मेटाबॉलिज्म के अकॉर्डिंग ब्लड क्लोटिंग की जितनी आवश्यकता होती है उसको ये कंट्रोल रखता है। आर्टरीज और वीन के अंदर होने वाले ब्लड फ्लो को रेगुलेट करने का कार्य करता है। आपको इसको ग्रीन टी बनाकर सेवन करना चाहिए। और इसके ये एपिकल पोर्शन आप देख रहे हैं, फ्लावर्स के साथ साथ ये जो एपिकल पोर्शन है जिसके अंदर लीव्स भी हैं, इन्फ्लोरेसेंस भी है, इसका आप पेस्ट बनाकर अगर स्किन के ऊपर लगाते हैं तो स्किन की रेडनेस को दूर करता है, इचिंग की समस्या हो उसको ठीक करता है, एंटी माइक्रोबियल एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी इसकी होती है, शरीर के ऊपर कोई इस प्रकार की अगर ग्रोथ है, बॉयल्स की समस्या है, फोड़ा या फुंसी हो गया है तो वहाँ भी आप इसका पेस्ट बनाकर लगा सकते हैं, उसको हील करने का ये कार्य करता है। साथ ही साथ आप इसके ग्रीन टी बनाकर सेवन करते रहें तो देखेंगे कि एक तो ब्लड के टॉक्सिन्स बाहर करने का कार्य करता है, ब्लड को प्यूरीफाई करता है, दूसरा एक्सटर्नल एप्लीकेशन के माध्यम से आप इसका पेस्ट बनाकर अगर लगाते हैं तो हीलिंग बड़ी फास्ट हो जाती है। तो स्किन की अच्छी हेल्थ के लिए, स्किन केयर के लिए और ब्लड के प्यूरिफिकेशन के लिए इसका कार्य भी पित्त के समन करते हुए अपना इफेक्ट शो करता है, शरीर के अंदर पित्त को समन करने का कार्य करता है। बुखार अगर हो गया हो तो भी हमें इसकी ग्रीन टी बनाकर सेवन करना चाहिए। मित्रों, ध्यान ये रखना है, प्रेगनेंसी के समय हमें इसका सेवन नहीं करना है। प्रेगनेंसी के समय एक कप चाय, एक कप जो ग्रीन टी आप बनाते हैं वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन कई बार इसकी ग्रीन टी हमें बहुत टेस्टी लगती है और हम बार बार बनाना स्टार्ट कर देते हैं तो ऐसी अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हमें झेलने पड़ेंगे। तो हमें प्रेगनेंसी के समय सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमें इसको सेवन नहीं करना चाहिए। नॉर्मल रूटीन में आप इसको एक या दो कप दिन में ग्रीन टी बनाकर सेवन कर सकते हैं। आप इसको सुखा कर भी रख सकते हैं, आप इसको हार्वेस्ट करके सुखा के और इसका पाउडर बनाकर कांच के कंटेनर में रख दीजिए तो इसकी लाइफ 3 से 4 महीने तक रहती है। इसके बाद आपको फिर से इसको फ्रेश आप इसको लगा सकते हैं। आप देखेंगे कि घर के अंदर भी आसानी से गमलों में लग जाता है, बीज के माध्यम से भी हो जाता है और आप इसको 3 से 4 महीने की ये पूरी लगाने की क्रॉप होती है। 3 से 4 महीने बाद आप इसको फिर से गमले के अंदर कंट्रोल कंडीशन में फिर से लगा सकते हैं। ज़्यादा ठंड के समय जर्मिनेशन नहीं हो पाता है तो इसके लिए मौसम में ज़्यादा ठंड नहीं होना चाहिए, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक अगर एयर में है, वातावरण में है तो ये जर्मिनेशन करते हुए अच्छी इन्फ्लोरेसेंस देता है, ज़्यादा ठंड इसके लिए अच्छी नहीं होती है। मित्रों, ये प्लांट एयर प्यूरिफिकेशन का कार्य भी करता है। आप इसको अपने टेरेस या फिर किचन की विंडोज़ पे या फिर घर के किचन गार्डन में आप इसको लगा सकते हैं, अच्छा ब्यूटिफिकेशन का कार्य करते हुए और घर की सुंदरता बढ़ाएगा और एयर को प्यूरीफाई भी करने का ये कार्य करता है। देखने में बहुत सुंदर है और साथ ही साथ एयर प्यूरीफिकेशन का भी कार्य करता है। जिस प्रकार से हमारे ब्लड का प्यूरीफिकेशन करता है उसी प्रकार से ये एयर का प्यूरीफिकेशन करने में भी विशेष सहायक होता है। मित्रों, बीज के माध्यम से एक बार आप इसको गमले में स्प्रेड कर दीजिए और आप देखेंगे कि आसानी से हो जाता है, ज़्यादा इसके लिए केयर की भी आवश्यकता नहीं होती है और ये अपने आप स्प्रेड होता रहता है। इतने सुंदर इसके फ्लावर्स आप देख पा रहे होंगे और बहुत अट्रैक्टिव भी है, आपकी घर की सुंदरता और आपके स्वास्थ्य की अच्छी कामना करते हुए कल सुबह फिर मिलेंगे एक प्लांट के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।